हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है और आज मैं आपके साथ एक्टिविटी 7.2 डिस्कस करूंगी, जो कि क्लास 10th की NCERT साइंस बुक से है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक्टिविटी 7.2। एक्टिविटी 7.2 में कहा गया है कि आप एक फ्लास्क ले लीजिए और उसके ऊपर एक वायर की मेस रख दीजिए, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, और उसके ऊपर एक बीज रख दीजिए। ठीक है, तो बीज जब थोड़े दिनों बाद जर्मिनेट होगा तो आप क्या देखेंगे। इस तरह का हमें एक सबसे पहले एक सेटअप बना देना है। एक कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड को इस तरह से सेटअप करना है कि जो खिड़की है वहाँ से आपकी रोशनी आए, धूप आए, ठीक है, और कार्डबोर्ड के चारों तरफ से अंधेरा हो। तो जब वो पौधा थोड़े दिनों बाद ग्रो करेगा तो आप इस तरह की ग्रोथ दिखेंगे कि जो पौधा है वो थोड़ा सा टिल्टेड होगा, ठीक है, वो सन रेस की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड होगा, और जो रूट्स होंगी वो आप देखेंगे कि वो रूट्स अवे फ्रॉम द लाइट, उनका डायरेक्शन थोड़ा सा जो ग्रोथ है वो अवे फ्रॉम द लाइट होगा। तो ऐसा क्यों होता है। ऐसा बेसिकली इसलिए होता है कि जो शूट्स होती हैं दे आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, मतलब वो लाइट की तरफ उनका एक रुझान होता है, तो इसको कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। यानी कि प्लांट के जेनेटिक मेकअप में ही एक ऐसी चीज़ होती है, या कह लें कि ऑक्सिन हार्मोन एक होता है जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, जहाँ पे धूप नहीं आ रही होती है वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ करता है, और जहाँ पे धूप आ रही होती है वहाँ पे कम ग्रोथ करता है, ठीक है। तो ऑक्सिन हार्मोन की जिधर धूप नहीं आने से ज़्यादा ग्रोथ होती है वहाँ पे पौधे की जब ज़्यादा ग्रोथ होगी तो पौधा आगे की तरफ झुक जाएगा, ठीक है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। वैसे प्लांट के जेनेटिक मेकअप से ही प्लांट के पास पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, यानी जहाँ पे लाइट होगी प्लांट उधर ही जाएगा, और रूट्स जो होती हैं वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, यानी कि रूट्स जो होती हैं दे लव द डार्क डार्कनेस, और जो शूट्स होती हैं दे लव द लाइट। अगर हम एक्टिविटी 7.2 को और देखें ध्यान से कि इन्होंने क्या किया कि इस तरह का सेटअप बनाया, जब प्लांट ऐसा ग्रो कर गया थोड़े दिनों बाद तो उन्होंने क्या किया कि नाउ टर्न द फ्लास्क सो दैट द शूट्स आर अवे फ्रॉम द लाइट एंड द रूट्स टूवर्ड्स द लाइट, लीव इट अनडिस्टर्ब इन दिस कंडीशन फॉर अ फ्यू डेज। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि प्लांट को इन्होंने डायरेक्शन चेंज कर दिया, जो शूट है उसको डार्क साइड में रख दिया, यानी कि जो कबर्ड है इसको एक तरीके से घुमा दिया, जो शूट है उसको डार्क साइड कर दिया और जो रूट है उसको जो है लाइट की तरफ कर दिया। तो हम क्या देखेंगे, तो हम फिर से यही देखेंगे कि जो शूट्स हैं जिधर से भी उसको थोड़ी सी भी रोशनी आ रही है वो उधर ही की तरफ टिल्ट होगा, और जो रूट है वो फिर से उधर ही तरफ टिल्ट होगा जहाँ पे डार्कनेस है। भले ही हम उसको लाइट में रख दें लेकिन वो उस साइड ही ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज करेगा जिस तरफ की डार्कनेस है। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछा गया है, हैव द ओल्ड पार्ट्स ऑफ द शूट एंड द रूट चेंज डायरेक्शन। तो जो ओल्ड पार्ट है उनका तो ग्रोथ हो चुका है, लेकिन जो न्यू ग्रोथ होगी, जो भी ग्रोथ होगी वो अपना डायरेक्शन चेंज करने की पूरी कोशिश करेगी कि वो जो है शूट वो है वो बेंड होकर के फिर से लाइट की तरफ जाए, और रूट है वो भी बेंड होकर के फिर से डार्कनेस की तरफ जाए। आर देयर डिफरेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ न्यू ग्रोथ, यस देयर आर डिफरेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ न्यू ग्रोथ। न्यू ग्रोथ जो है वो शूट की टुवर्ड्स द लाइट होगी और रूट की अवे फ्रॉम द लाइट होगी। What can we conclude from this activity? इस एक्टिविटी से हम क्या कॉन्क्लूड करते हैं, इस एक्टिविटी से हम कॉन्क्लूड करते हैं कि प्लांट्स का जो शूट है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है और जो रूट है वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। अगर हम देखें कि प्लांट जो है वो हमेशा जो है वो टुवर्ड्स द लाइट ग्रो करता है, जबकि रूट्स जो है वो हमेशा ही टुवर्ड्स द डार्कनेस ग्रो करती हैं, यानी कि जो शूट है वो हमारा जो है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। अगर एक एक्सपेरिमेंट देखें हम इसको परफॉर्म करने के लिए, कि अगर हम एक सेंट्रीफ्यूज रोटर में अपने दो पौधों को लगा लें, ठीक है, तो हमें इसमें क्या मिलेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कहते हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये एक इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा कि जैसे ग्रेविटी का एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। तो हम ये देखना चाहते हैं
कि रूट्स हमेशा जो है वो ग्रेविटी के साथ ही क्यों ग्रो करती हैं और शूट्स हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट ही क्यों ग्रो करती हैं। तो हम अगर इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखना चाहें तो हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि जो शूट्स हैं वो सेंटर में, इस स्पिन के सेंटर में ग्रो की, और जबकि रूट्स जो हैं वो स्पिन के बाहर ग्रो की है, यानी कि जो ग्रेविटी का एक एनवायरमेंट है वो अवे फ्रॉम द सेंटर उसके चला, इसलिए रूट्स बाहर की तरफ ग्रो की। स्पेस में देखें तो हमें स्पेस में देखने को मिलेगा कि जो शूट्स हैं वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं ग्रो करती और ना ही रूट्स एक डायरेक्शन में ग्रो करती हैं। रूट्स जो है पौधे की किसी भी तरफ से ग्रो करनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, उनका कोई डायरेक्शन नहीं। जबकि हम अर्थ पर देखते हैं कि रूट्स हमेशा ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती हैं और जो शूट्स हैं वो अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो करती हैं। बट हम अगर स्पेस में जाएं तो रूट्स कहीं भी ग्रो करती हैं और शूट्स भी कहीं भी ग्रो करती हैं, यानी कि रूट्स के पास कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसे मैकेनिज्म है जिससे कि वो एक ग्रेविटी को सेंस करती हैं। तो वो क्या मैकेनिज्म है जिससे कि जो रूट्स हैं वो ग्रेविटी को सेंस करती हैं? तो इसमें एक हार्मोन है ऑक्सिन, ठीक है, वो भी इनकी हेल्प करता है, और एक कंपोनेंट है स्टैटोलिथ्स। तो ये क्या करता है, एक जो रूट है उसकी स्पेशल कुछ नीचे रूट टिप्स में सेल्स होती हैं, स्टैटोलिथ्स जिसको कहते हैं, ये स्टैटोलिथ्स जो है रूट टिप में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, ऑक्सिन के इफ्लक्स को जो है रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, और ऑक्सिन के कंसेंट्रेशन को रूट के अंदर चेंज करते हैं जिससे कि ऑक्सिन जो है वो सेंस करता है कि नीचे ग्राउंड किस तरफ है, ठीक है। और वैसे ही स्टैटोलिथ्स के कुछ अमाउंट जो है स्टेम्स में भी होता है जो कि उनको सेंस करने में मदद करता है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी किधर है। तो इसको कहते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, यानी जो हमारी शूट्स हैं वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हैं और रूट्स जो है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हैं। वैसे ही कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो जैसे प्लांट्स जो होते हैं, शूट्स जो होते हैं वो फोटो यानी कि लाइट की तरफ ग्रो करते हैं और रूट्स जो होती हैं वो अगेंस्ट द लाइट ग्रो करते हैं। अगर हम किसी सीड को ग्रो करें तो शूट्स जो होते हैं हमेशा ही ऊपर की तरफ जाती हैं जबकि रूट्स जो होते हैं हमेशा ही नीचे की तरफ जाती हैं। तो ये है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और रूट्स यानी रूट्स जो है वो हमेशा अवे फ्रॉम द लाइट जाती है, यानी कि नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं रूट्स। होप कि आपको इस वीडियो से अच्छे से समझ में आया होगा एक्टिविटी 7.2। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।